अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और अपना प्रोग्राम एक सवाल डॉक्टर अजमल मलिक के साथ के लिए फिर हाजिर हूं। और आज मैं अपना सवाल जो है वो आप सबकी पसंदीदा एक्टर और मेरी बहुत प्यारी आर्टिस्ट सना खान से करने लगा हूं। सना जी कैसी हैं आप? ठीक है, जब से लाहौर आए हैं माशाल्लाह निकलती जा रही। मैं तो वैसे का वैसे आज भी सना की तारीफ करें तो वो शर्माती है। 5-6 साल पहले की तरह ज्यादा अच्छा नहीं हुआ आपको शर्माते हुए? पहले शर्म नहीं थी आंदी। सना जी आपको पता है हमारा सवाल होता है आपसे हर हफ्ते। जी जी, आप कौन सा सवाल लाए हैं मुझे नहीं पता, दुआ कीजिए कि मैं उसका जवाब दे सकूं। देखिए, पैसा तो हर इंसान की बुनियादी जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, पैसे के बगैर जीना मरना मुश्किल है। सवाल पैसे के मुतल्लिक है कि पैसा आते हुए अच्छा लगता है या जाते हुए अच्छा लगता है? सवाल नहीं, इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है? पैसा है आते हुए अच्छा लगता है या जाते हुए अच्छा लगता है? मेहनत का पैसा आते हुए अच्छा लगता है। अच्छा, मेहनत का पैसा जो आते हुए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बगैर मेहनत के जो पैसा आता है वो अच्छा नहीं लगता? पैसा ऐसा है कि जो बगैर मेहनत के भी आए? नहीं, बगैर मेहनत के पैसा नहीं आता। नहीं आता, मेहनत यानी करनी पड़ती है। ऑब्वियसली हम डांस करते हैं, मेहनत वाला पैसा लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ना वाला पैसा लाने के लिए भी मेहनत करनी? नहीं जी, पैसा हमेशा मेहनत से आता है। हमेशा मेहनत से आता है, मेहनत किसी भी किस्म की हो? नहीं नहीं, मतलब ये अच्छी हो। हाँ, अच्छी मेहनत। हाँ, अच्छी मेहनत हो। जिस मेहनत से पैसा है वो मेहनत तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती। वो तो अच्छी होती है, वो तो लोगों की नजर में अच्छी बुरी होती है। अच्छी तो बनाते हैं ना, अच्छा बुरा। हाँ हाँ, तो हमारी नजर में तो हर किस्म का पैसा जिसमें मेहनत की हुई वो अच्छा लगता है। और पैसा जाते हुए? हाँ, किसी गरीब की मदद के लिए जा रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अय्याशी में हो, फजूल उड़ाया जाए, फजूल खर्ची की जाए तो तकलीफ होती है। अच्छा, पैसा अगर अय्याशी पर उड़ाया जाए तो उस पर तकलीफ होती है, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक चीज में गरीब आदमी को दे दे तो अच्छा लगता है। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है कि वो उनकी दुआओं से सुकून मिलता है, वो दुआ देते हैं। जिंदगी में कितने अमीर लोग आए और कितने गरीब आए, मेरा मतलब कितने देने वाले आए और कितने लेने वाले आए? मेरे जिंदगी सारे लैंड वाले ही आए थे। जो भी आया है पैसा लेने ही आया है, बिल्कुल देने वाला कोई नहीं आया। नहीं, यानी आपकी मेहनत की कमाई जो है वो ऐसे ही दोस्तों में उड़ती रही है, आप उड़ाती रही, यानी दोस्तों में बांटती नहीं है। फ्रेंड्स बैठे होते हैं, गैदरिंग होती है तो नहीं, वो जो गैदरिंग में उड़ाते हैं वो तो गलत बात है। उसके अलावा भी आपको कोई अच्छा लगा और आपने मेहनत की कमाई खिला दी है उसे? उस वक्त आपको पैसा जाता हुआ देते हुए अच्छा लगता था, क्योंकि और फिर बाद में जब कुछ वक्त गुजरता है तो वो याद आता है। जब लोग बदल जाते हैं, अपना असली चेहरा दिखाते हैं, तो फिर तकलीफ होती है कि यार हमने इसके साथ क्या किया, उसने हमारे साथ क्या किया। यानी कि अपना नाजरीन सना के कहने का मतलब ये है कि दोस्त भी वो जिसको पैसा जाए हमारी तरफ से, इनकी तरफ से पैसा जाए और वो उसको कितना अच्छा लग रहा हो, उस पैसे का कोई दुख नहीं होता। फिर बाद में जब उसका असली चेहरा ऊपर होता है तो फिर जो पैसा खिलाया होता है उसकी तकलीफ होती है। यार नस्ली होना चाहिए। अच्छा, वो जो किसी दोस्त का पैसा आता है, हाँ जी, और वो जब किसी दुख तकलीफ में मुब्तला होता है और आप उसको मुंह नहीं लगाती तो उस वक्त उस आपको उसका दिया हुआ पैसा याद नहीं आता? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप उसका दिया हुआ पैसे का कभी एहसास हुआ? देखिए, एहसास एक चीज ऐसी है कि आप है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ होगा तो मुझे उस चीज की तकलीफ जरूर होगी कि आप हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, आपको तकलीफ हुई है। हाँ जी, एहसास बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी में, कि उसके दिल में एहसास होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। मतलब कि अभी हम फकीरों को पैसे देते हैं। आप माशाल्लाह लाहौर में आई हैं, इससे पहले आउटडोर में बहुत काम किया, पैसा कमाया है आपने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने जो है वो इतना पैसा नहीं कमाया कि आप फौरी तौर पर गाड़ी ले सकें, लेकिन आपके पास बड़ी गाड़ी भी है, बड़ा घर भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे, कौन सी मेहनत थी? ये कोई मेहनत नहीं थी, मैंने शादी की, मेरे हस्बैंड ने मुझे वो गिफ्ट किया, ये कोई मेहनत नहीं थी, ये कोई फजूल बात नहीं थी, ये कोई मतलब के नेगेटिव बात नहीं थी। पैसे के आने की खुशी हुई है ना? ऑफिशियली वो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की, गाड़ी गिफ्ट की, घर गिफ्ट किया, एक न्यू लाइफ। हस्बैंड होता है वो तो सारी दुनिया भी आपको गिफ्ट कर दे, तो वो आपके और आप होंगी उनकी। तो हस्बैंड से भी बाद जो है ना वो पैसा बंदा कोशिश करता है कि यार चलो है नहीं लौटते फिर भी आ जाए। नहीं नहीं,
मेरे हस्बैंड की आदत नहीं है, उनकी ये आदत है कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं, मैं सो रही हूँ, जाग रही हूँ, जो भी, उन्होंने मेरे हैंड बैग में पैसे डाल के चले जाने की, इसको जरूरत है या नहीं है। लोगों के तकिए के नीचे रखे जाते हैं, मेरे भी वाले हैंड बैग में डाल जाते हैं। आपके जो वो हैंड बैग में डाल जाते हैं। डॉक्टर साहब, बी सीरियसली, मैं दिल से चाहती हूँ। आप जाए, आपका गाना आ गया जी। ये थी अदाकारा सना खान, बहुत खूबसूरत बातें की इनसे हमने, और इन्होंने बड़े खूबसूरत जवाब दिए पैसे के हवाले से, कि पैसा जाते हुए अच्छा लगता है या आते हुए अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहे मेरा ये प्रोग्राम। हम अब अगले आर्टिस्ट के पास जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।